हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज आपके बीच एक न्यू एक्टिविटी को लेकर आए हैं, लेकिन ध्यान दें कोई भी इसे घर पे करने का कोशिश ना करें, ठीक है। तो हमें बताना है कि इन दो बोतलों में से कौन से में आपकी CO2 गैस बनेगी और कौन से में आपकी हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है गाइस। तो क्योंकि हमने पढ़ रखा है हाइड्रोजन गैस जो होती है फ्लेमेबल गैस है और पॉप साउंड के साथ जलती है, उसके अपोजिट CO2 गैस जो है वो आपको बुझाने का काम करती है। तो अगर इन दोनों बोतल के ऊपर मैं जलती हुई माचिस की तीली लाऊंगा, तो जहां पे हमारी माचिस की तीली बुझ जाती है तो समझ जाना उसके अंदर कौन सी गैस होगी, CO2। इसके अपोजिट जहां पर माचिस की तीली पॉप साउंड के साथ जलेगी वो समझ जाना उसमें कौन सी गैस है आपकी बोतल के अंदर, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है गाइस। तो हमने यहाँ बोतल के अंदर NaOH का एक्वस सोल्यूशन लिया हुआ है और दूसरे में हमने क्या लिया हुआ है, H2SO4 लिया हुआ है, ठीक है गाइस। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जहां पे हमने H2SO4 लिया हुआ है उसके अंदर हम सोडियम बाइकार्बोनेट गिरते हैं। कोई भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब भी कभी रिएक्ट करता है तो देखो यहाँ पे इसमें से हम माचिस की तीली ले आते हैं जलती हुई, तो आप देखोगे यहाँ पे माचिस की तीली क्या हो गई, देखो गाइस खुद से खुद बुझ गई है। फिर देखो एक बार ट्राई करके, ये देखो अपने आप से क्या हो रही है, यहाँ पे बुझ रही है। तो समझ जाना कि इसके अंदर कौन सी गैस निकल रही होगी, CO2 गैस, क्योंकि CO2 गैस क्या करती है, जो ऑक्सीजन का है उसको कॉन्टैक्ट तोड़ देती है फ्यूल से, ठीक है। तो CO2 गैस में आग बुझाने का काम कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है देखो, और गेर लो देखो आप, और CO2 गैस निकलनी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे, ये देखो और निकली, ठीक है गाइस। तो इसका मतलब क्या है कि इस स्पीकर से कौन सी गैस निकल रही है आपकी, CO2 गैस, ठीक है। तो जो हमारा एसिड होता है अगर वो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो ऑलवेज वहां पे कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है, ठीक है गाइस। तो इसका मतलब यहाँ पे CO2 गैस थी और CO2 गैस ने उस माचिस की तीली को क्या कर दिया, बुझा दिया, समझ गए। अब क्या है, अब हमने यहाँ पे लिया हुआ है NaOH सॉल्यूशन, तो इसमें देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस बनती है नहीं बनती है। इसमें हमने क्या करा, सिल्वर फॉइल ली हुई है, एल्यूमिनियम फॉइल बोलते हैं इसे, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल डाल दी इसके अंदर। तो जैसे हमने एल्यूमिनियम फॉइल डाल दी है तो आप देखोगे यहाँ पे रिएक्शन होनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो धीरे धीरे जब रिएक्ट करेगा NaOH जब किसी एल्यूमिनियम यानी रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करता है तो आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है, साथ में सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, और जो हाइड्रोजन गैस होती है वो आपकी पॉप साउंड के साथ जलती है। देखो गाइस इसमें धीरे धीरे हल्की हल्की आपको दिख रही होगी फ्यूम, हाइड्रोजन गैस की फ्यूम बननी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो आप जैसे ही हाइड्रोजन गैस को पॉप साउंड के साथ जलती है, देखो देखो पॉप साउंड की हल्की हल्की आवाज आ रही है, पॉप साउंड की हल्की हल्की आवाज आ रही है, यानी अभी हाइड्रोजन गैस जो है वो थोड़ी कम बनी है, ठीक है। अभी और देखते हैं आगे, अभी रिएक्ट हो जाने दो, ठीक है गाइस। हाइड्रोजन गैस बन रही है लेकिन थोड़ी कम अमाउंट में बन रही है। एल्यूमिनियम फॉइल ने NaOH के साथ रिएक्शन करनी स्टार्ट कर दिया है और देखो यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन गैस जो है वो बननी स्टार्ट हो गई है। अगर इसके अंदर वाकई में हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी तो हाइड्रोजन गैस आपके गैस जो निकलेगी वो किस तरह निकलेगी, पॉप साउंड के साथ जलेगी। तो देखिए, ठीक है आपका, देखो यहाँ पे ठीक है, तो मतलब क्या है, हाइड्रोजन गैस आपकी किस तरह जल रही है, पॉप साउंड के साथ। तो चलिए गाइस, उम्मीद करता हूँ एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया होगा। इसी एक्सपेरिमेंट को आपको केमिकल इक्वेशन के हेल्प समझाते हैं। तो हुआ क्या था, जो फर्स्ट बीकर में हमने H2SO4 लिया हुआ था, उस H2SO4 में गाइस हमने क्या मिलाया था, सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट जब H2SO4 से रिएक्ट करता है तो आपका एक तो सोडियम सल्फेट बनेगा इधर, एक आपका वाटर बनेगा और साथ में कौन सी गैस बनेगी, CO2। तो वहां से CO2 गैस का एवोल्यूशन हो रहा था और ये CO2 गैस ही क्या करती थी भाई साहब, आपकी आग को बुझाने का काम करती है। तो एक इक्वेशन तो उसके साथ ये हुई थी, ठीक है गाइस। इसी तरीके से जो हमारा दूसरे वाला बीकर था उसमें हमने क्या लिया था, NaOH का एक्वस सॉल्यूशन लिया था और साथ में क्या लिया था हमने, एल्यूमिनियम फॉइल यानी एल्यूमिनियम मेटल ली थी। तो वहां पे क्या केमिकल रिएक्शन हुई थी, जो आपकी हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। तो देखिए, एक हमने क्या लिया गाइस, NaOH का एक्वस सॉल्यूशन प्लस एल्यूमिनियम, और जब इसने इससे रिएक्ट करी तो आपका एक सोडियम एल्यूमिनेट बना होगा यहाँ पे, और साथ में कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस। तो इस हाइड्रोजन गैस की वजह से जो आपका साउंड आया, जो फ्लेम बनी, वो तो किसकी वजह से बनी, इस गैस की वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन एक तो फ्लेमेबल गैस है और उसके साथ साथ किस साउंड के साथ जलती है, पॉप साउंड के साथ। तो ये प्रैक्टिकल आपको समझाया था, किसके एक्सपेरिमेंट के हेल्प से ये क्वेश्चन वगैरह आपको समझाई थी आज।
ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया हो, लेकिन कोई भी इसे घर पे करने का प्रयास ना करें, ठीक है, धन्यवाद।